देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एमपी में बीजेपी को क्लीन स्वीप मिली है, तो वहीं एमपी में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, वहां उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर कमलनाथ ने कहा कि हमने मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की, हम देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। मुलाकात हुई, हमने मध्य प्रदेश की बात करी और आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश में उसकी बात करी और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब बातें हुई और हम देख रहे हैं क्या करते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। सर आज आपने कह रहे आप नायडू से और नीतीश जी से आप बात करेंगे? क्योंकि मैं नहीं बात करूंगा, पर ये इनकी बात चल रही है एनडीए की, बीजेपी की बात चल रही है उनसे, उसमें कुछ निचोड़ निकलता है कि ये कहें अगर बीजेपी सोचे कि नीतीश घर बैठ जाएगा और नायडू भी घर बैठेगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। अब ये मोदी सरकार नहीं है, अब ये एनडीए की सरकार है, एनडीए के सरकार में सब सम्मिलित हैं, और अगर सब सम्मिलित हैं सबका हिस्सा है। चलो, राजनीतिक स्थिरता लगती है आपको सर इस सरकार की? नहीं, मुझे नहीं लगती। वहीं छिंदवाड़ा में मिली हार को लेकर कमलनाथ ने कहा कि पूरे प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग किया गया है। ये पूरा प्रशासन का उपयोग, पैसे का उपयोग, दुरुपयोग, सब छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पैसे देना, यही इनका कारण था। जनता बहक गई। बता दें कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद इंडिया गठबंधन में लगातार बैठक का दौर जारी है। एमपी में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कमलनाथ अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए, जिसके बाद अब एमपी कांग्रेस में अंतर्कलह सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।